फ्रेंड्स, आज मैं आपको 9 हिडन फीचर्स बताऊंगा जो गूगल को ऐप के अंदर दिया गया है, बट वो फीचर्स आपको नहीं पता होगा, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें गो गैजेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो जो है आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको आर्टिकल वगैरह पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब से गूगल वो ऐप जो है आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं विकिपीडिया ओपन करता हूँ। विकिपीडिया ओपन करते ही कोई सा भी एक आर्टिकल खोल लूंगा। खोलते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक तिकोना ऑप्शन जो आ गया है, जैसे म्यूजिक प्लेयर में रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐप जो है ऑटोमेटिकली आर्टिकल पढ़ने लगेगा। साइक्लोन एल्थिया, पब्लिश्ड बाय विकिपीडिया। Severe tropical cyclone Althea was a powerful tropical cyclone that devastated parts of North Queensland just before Christmas 1971. फ्रेंड्स, आजकल सभी लोग जो है हर जगह वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं। इस बात को नजर रखते हुए गूगल ने इस ऐप के अंदर जो वॉलपेपर सेट करने का फीचर सेट कर दिया है। फ्रेंड्स, गूगल को ऐप में वॉलपेपर सेट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक है जनरल और एक है कस्टमाइज। कस्टमाइज ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप बैकग्राउंड और सिलेक्ट वॉलपेपर। आप सिलेक्ट वॉलपेपर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। वॉलपेपर ऑप्शन पे क्लिक करते आपको यहाँ पे गैलरी ओपन कर लीजिए। अपना गैलरी ओपन करने के बाद अपना पसंदीदा वॉलपेपर जो आप सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वॉलपेपर सेट करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने सेट कर लिया। आप दिखा रहा है रिमूव वॉलपेपर, मतलब वॉलपेपर मेरा जो है सेट हो चुका है। अब बैक बटन पे आऊंगा, क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर जो है सेट हो चुका है। पहले से लुक जो है बहुत ज्यादा बेटर हो गया है। फ्रेंड, थर्ड जो हिडन फीचर्स इस ऐप में दिया गया है वो सबसे खास होने वाला है इस लिस्ट का, जो कि आप इस ऐप को एज ए ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल ऐप यूज करते हैं तो आप जानते होंगे कि गूगल ऐप से सिर्फ आप गूगल सर्च ही कर सकते हैं, वेबसाइट वगैरह जो है नहीं खोल सकते। बट गूगल वो ऐप से जो कि गूगल ऐप का ही लाइट पर्सन है, उससे आप वेबसाइट भी खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी वेबसाइट मैं खोल देता हूँ। वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल सर्च में जो वेबसाइट आ गया है, गूगल सर्च में वेबसाइट आते हैं, मैं वेबसाइट ओपन कर लूंगा। जैसे कि आप हर एक ब्राउजर से करते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी गाना एक डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने गाना जो है खोल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका डाउनलोड बटन शायद आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका गाना जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड मैंने कर लिया, अब मैं होम बटन पे चला जाऊंगा। अब डाउनलोड पे जाके देख सकते हैं कि मेरा गाना जो है डाउनलोड हो रहा है। फ्रेंड्स, आजकल के जमाने में हर कोई सभी को जो है GIF इमेजेस भेजता रहता है, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, हर जगह जो है GIF का बोलबाला है। फ्रेंड्स, अगर आप भी सभी को GIF इमेजेस भेजते रहते हैं तो ये ऐप जो है आपके लिए जन्नत साबित हो सकता है, क्योंकि इस ऐप में जो है एक अलग से टैब दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत से कैटेगरी के GIF इमेजेस आपको मिलता है। यहाँ पे आप सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आप सर्च करके दिखाता हूँ टैब में, तो कैटेगरी में तो बहुत सारे GIF आपको मिल जाएंगे। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। सर्च करके फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यूट्यूब मैंने एक GIF ओपन कर लिया है। अब यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डाउनलोड हो गया है मेरा GIF। बहुत ही ईजी तरीके से आप GIF किसी को भी सेंड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो हिडन फीचर्स इस ऐप में दिया गया है वो है लाइट मोड। शायद नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा ये फीचर्स जो है काम कैसे करता है। इस फीचर्स को आप अगर इनेबल कर देंगे तो आपके इंटरनेट यूज करने का एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाएगा। इससे आपके इंटरनेट का स्पीड जो है बढ़ जाएगा और आपका इंटरनेट डेटा जो है कम खर्च होगा। इसके लिए आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाटा यूज्ड को आप जो इनेबल कर देंगे तो आपका लाइट मोड जो है ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो आपका फोन यूज करता है तो इस फीचर्स को आपको इनेबल करना ही करना है, क्योंकि इस फीचर्स को आप अगर इनेबल कर देंगे तो आपके गूगल गो ऐप के अंदर कोई भी 18 प्लस कंटेंट जो है शो नहीं होगा। इसके लिए आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे डॉट पे जो भी आप कहते हैं इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे चले जाइए। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव सर्च। इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देंगे तो आपके गूगल गो ऐप के अंदर कोई भी 18 प्लस कंटेंट शो नहीं होगा, अगर कोई जोर जबरदस्ती उसे सर्च ना करे तो। फ्रेंड्स, हम सभी को जो है गूगल इमेजेस की जरूरत कभी ना कभी पड़ता ही है, चाहे वो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हो या फिर किसी और काम के लिए। और एक गूगल ग्रो ऐप जो है आपका गूगल इमेजेस ढूंढने का, उसे डाउनलोड करने का एक्सपीरियंस और भी बेटर बनाता है। इसके लिए सिंपली आपको जो पिंक कलर का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो बहुत से कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं, या फिर आप कोई और कैटेगरी की इमेज चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च इमेजेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोई भी इमेजेस कैटेगरी जो है आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब इमेजेस आप कोई भी इमेज खोल लीजिए। उसके बाद आप अगर इस इमेज को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आपके पास जो है शेयर और डाउनलोड बटन आ जाएगा। आप यहाँ से इजीली वन क्लिक में शेयर और सिंगल क्लिक में डाउनलोड जो है कर सकते हैं।
फ्रेंड्स अपने जो आपको फीचर्स बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपको इस गूगल गो ऐप के अंदर। ये फीचर्स का नाम है ऑल ऐप्स। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक टैब दिख रहा होगा जिसपे लिखा होगा ऑल ऐप्स, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे 207 इनबिल्ट ऐप मिलेंगे जो गूगल गो ऐप के साथ आता है। फ्रेंड्स अगर आप अपने फोन में बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करके रखे तो टाइम आ गया है उन सारे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, सिर्फ आप इस गूगल गो ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि गूगल गो ऐप जो है 260 ऐप्स के साथ आता है। इन सारे ऐप्स का जो वेबसाइट बस में आपको सारे यहाँ पे गूगल गो ऐप के अंदर मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको शुरुआत से दिखा देता हूँ गूगल गो ऐप के अंदर कौन कौन से ऐप जो आपको मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप 10 आ गया है, टॉप 10 आपको मिलेगा, सोशल सारे के सारे ऐप जो आपके मिल जाएंगे यहाँ पे, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऐप्स है यहाँ पे, गूगल का सारा ऐप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद गेमिंग, अगर आप गेम खेलना पसंद करते हैं तो आपके लिए तो जन्नत साबित हो सकता है शायद। और यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का भी ऐप मिल जाएगा, आप क्रिकेट न्यूज़ वगैरह फुटबॉल न्यूज़ वगैरह से अपडेट रह सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ का मिल जाएगा, आप कोई भी न्यूज़ का आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको शॉपिंग का ऐप मिलेगा, आप कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं, रेफरेंस, बैंकिंग, ट्रैवल, एजुकेशन, जॉब सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको। फ्रेंड्स क्या आप हमेशा अपडेटेड रहना पसंद करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं आपके कंट्री में आप अभी पॉपुलर न्यूज़ कौन सा है, आपका कंट्री का ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सा है, आपका कंट्री में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है? तो गूगल गो ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि गूगल गो ऐप में आपको एक ऐसा फीचर्स मिलता है जिससे आप हर आपके कंट्री का हर रोज का न्यूज़ जो है पा सकते हैं एक सिंगल वेब पेज के अंदर। इसके लिए आपको डिस्कवर पे क्लिक करना होगा, डिस्कवर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे देख सकते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है आपके आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इंडिया का सारा यहाँ पे दिखा दे रहा है। फ्रेंड्स अब मैं आपको गूगल को आपके कुछ एडिशनल हिडन फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ट्विटर खोल लिया है, ट्विटर खोलते ही आप यहाँ पे नीचे 3 लाइन दिखेगा। किसी भी वेबसाइट आप खोलेंगे तो आपको 3 लाइन दिखेगा, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट का जो है लाइट मोड एनेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो लिखा हुआ है यूज लाइट वेब पेजेस, उसको आप एनेबल कर देंगे तो उस वेबसाइट का जो है लाइट मोड है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स आप गूगल को ऐप से सिंगल क्लिक में किसी भी वेब पेज को जो है शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एरो पे क्लिक करना होगा, एरो पे क्लिक करते ही आपके यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड पे आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जहाँ पे आप वेब पेज को जो शेयर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स अगर आप गूगल को ऐप का जो ऐप सेक्शन है वो इजिली ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली होम बटन पे जाना होगा। होम बटन पे जाने आप लेफ्ट से लाइट पे स्लाइड करेंगे तो आपका जो ऐप सेक्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद आप अगर बार बार स्लाइड करते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कलर जो है चेंज हो रहा है। अब मैं आपको लास्ट ट्रिक बताता हूँ इस वीडियो का, जो कि है आप होम बटन पे जाने के बाद अगर आप अगर राइट टू लेफ्ट स्लाइड करते हैं तो आपका ट्रेंडिंग पेज जो है ओपन हो जाता है। देखिए आप ट्रेंडिंग पेज जो है डिस्कवर पेज जो कि मैंने दिखाया था न्यूज वाला ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी सेम है, आप अगर बार बार स्लाइड करते रहेंगे तो आपका यहाँ पे जो कलर जो है बार बार चेंज होता रहेगा। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये सारे फीचर्स आपको पता था या नहीं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए।